हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के पहले इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर यानी शक्ति के बारे में, जानेंगे इसके कुछ और फीचर्स और कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शक्ति माइक्रोप्रोसेसर को डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है और कहां किया है। So, researchers at Indian Institute of Technology Madras have designed and booted up India's first indigenously developed RISC-V microprocessor that is Shakti. यानि IIT Madras में ही इसको design किया गया है, इस microprocessor. आगे अगर बात करें, so the Shakti family of processors was fabricated at Semiconductor Laboratory, जिसे हम SCL भी कहते हैं, ISRO in Chandigarh. ठीक है, अगर इसे इसके फैब्रिकेशन की बात करें तो देखिए, इसे सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि इसरो की है चंडीगढ़ में, वहां इसको फैब्रिकेट किया गया है, मेकिंग इट द फर्स्ट RISC-V माइक्रोप्रोसेसर टू बी कंप्लीटली डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहला इंडिया का कंप्लीटली डिजाइन्ड माइक्रोप्रोसेसर है। और एक जगह यहां पर देखिए ये भी बात कही गई है कि द शक्ति फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स, तो ये फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स इसके लिए कहा गया है क्योंकि इसके अंडर भी देखिए कुछ प्रोसेसर्स आते हैं 5 to 6 और, तो इसलिए इसे शक्ति फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स कहा गया है। आगे चलते हैं और अगर बात करें, इन जुलाई 2018 एन इनिशियल बैच ऑफ 300 चिप्स नेम्ड रिस्क क्रीक वाज प्रोड्यूस्ड अंडर प्रोजेक्ट शक्ति। देखिए ऐसा नहीं है, जब यहां पर अभी आईआईटी मद्रास में तो देखिए इसे डेवलप किया ही गया, इससे पहले जुलाई 2018 में एक इनिशियल बैच 300 चिप्स का, जिसका नाम रखा गया था राइस क्रीक, वाज प्रोड्यूस्ड अंडर प्रोजेक्ट शक्ति। So, प्रोजेक्ट शक्ति के अंडर ही 300 चिप्स को, एक इनिशियल बैच ऑफ 300 चिप्स को प्रोड्यूस किया गया था और उसका फैब्रिकेशन जो है वो मल्टीनेशनल चिप मैन्युफैक्चरर इंटेल्स फैसिलिटी एट ओरेगन यूएसए में किया गया था। अब सभी ने देखिए इंटेल का नाम तो सुना ही होगा, तो वहां पर इसको फैब्रिकेट किया गया था। दैट सक्सेसफुली बूटेड द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस इन चिप्स की हेल्प से जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीटली बूटअप कर दिया गया था। Now the fabrication has been done in India. और अब इसका fabrication जो है project शक्ति के अंदर India में किया गया है। आगे चलते हैं। The microprocessor built in and by India will prove to be very useful in reducing dependency on microchips which are imported from abroad in communications and defense sectors. ठीक है, अगर हम बात करें communication and defense sectors की, जहां पर microchips जो होती है बहुत ज्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, अब इंडिया को बाहर की फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। पहले देखिए फॉरेन की कंपनीज थी, वहीं से देखिए उसे इंपोर्ट किया जाता था माइक्रोचिप्स को, बट अब जो है इसको इंडिया में ही जो है हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डिपेंडेंसी पहले फॉरेन कंपनीज पर रहती थी, अब वो ज्यादा नहीं रहेगी। अगर देखिए आईआईटी मद्रास के अकॉर्डिंग बात करें तो द शक्ति माइक्रोप्रोसेसर कैन बी यूज्ड इन लो पावर वायरलेस सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग सिस्टम्स। इसे कहां कहां यूज किया जा सकता है? एक तो लो पावर वायरलेस सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है। फर्दर इट कैन बी यूज्ड इन सर्वेलेंस कैमराज एंड स्मार्टफोन्स। जो सर्वेलेंस कैमराज है, स्मार्टफोन्स है, उनमें इसको यूज किया जा सकता है। शक्ति वुड असिस्ट द डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज in reducing the threat from systems infected with backdoors and hardware trojans. देखिए वो systems जो कि trojans वगैरह viruses से infect हो जाते हैं, उन देखिए इस processor से जो है उस threat को भी reduce किया जा सकता। अगर आगे बात करें, so इसकी funding की अगर बात करें, इस पूरे project की, project शक्ति की funding की, तो इसे Union Ministry of Electronics and Information Technology ने पूरा इसका fund किया था इसको। The impact of this completely indigenously fabrication is that India has now attained independence in designing, developing and fabricating end-to-end systems within the country, leading to self-sufficiency. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अब इंडिया self-sufficient हो चुका है इन microchips, microprocessors को develop करने के लिए। अब हमें बाहर की countries पर depend नहीं रहना पड़ेगा और हम खुद ही इसे develop and design कर सकते हैं। इसमें देखिए जो मेजर रोल रहा वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने ही फंड दिया। एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोफेसर वी कामकोटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट आईआईटी मद्रास, दिस माइक्रो प्रोसेसर विल नेवर गेट आउटडेटेड एज इट इज मेड विद ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर इसके ऑब्सोलीट होने की बात की जाए, तो जो आईआईटी मद्रास के
डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है डॉक्टर वी कामा कोटी, उन्होंने कहा है कि दिस माइक्रो प्रोसेसर विल नेवर गेट आउटडेटेड. क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ही इसको डिजाइन किया गया है. एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू ओपन सोर्स माइक्रो प्रोसेसर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड मार्केट. ठीक है, ऐसे बहुत ही कम माइक्रो प्रोसेसर्स है जो कि ओपन सोर्स है, जिनका सोर्स पता हो. तो जो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर है वो उनमें से एक है जिस जो कि ओपन सोर्स माइक्रो प्रोसेसर. तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है. और देखिए इसी के साथ अब हम ये कह सकते हैं शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने के बाद इंडिया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर नॉट ओनली मेड इन इंडिया बट ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री. सिर्फ देखिए इंडिया में बनाया ही नहीं गया, ओरिजिनेट भी जो है वो इंडिया में ही किया गया है. इंडियन IIT मद्रास में इसको डिजाइन किया गया, हमारे ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे मिलके बनाया. तो इसलिए सिर्फ इंडिया में बनाया ही नहीं गया, इसका जो पूरी थिंकिंग है ओरिजिनेशन जो है वो पूरा इंडिया में ही रहा है. तो इसी के साथ देखिए ये हमें बहुत हेल्प करेगा इस माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद. और जो डिपेंडेंस हमारी बाहर की कंट्रीज पे रहती थी पहले, अब वो बहुत हद तक कम हो जाएगी इसके बाद. सो आज की इस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसी और डिस्कवरी की, इन्वेंशन की, उसके बारे में फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. So thanks a lot friends for watching this video. Thanks a lot once again.